हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेक्टस एब्डोमिनिस मसल एंड रेक्टस शीथ के बारे में। देखिए, जब आप रेक्टस एब्डोमिनिस मसल नाम देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टस एब्डोमिनिस एक स्ट्रैप मसल, ये क्या है, स्ट्रैप मसल, ठीक है। सो स्ट्रैप मसल्स के एग्जांपल कई बार आपसे पूछे जाते हैं, तो स्ट्रैप मसल्स के अंदर आपकी आती है मसल्स यहाँ पे जो है नेक पे, दैट इज सुप्रा हायर्ड मसल्स, इंफ्रा हायर्ड मसल्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो मसल है रेक्टस एब्डोमिनिस, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्ट्रैप मसल, ठीक है। अब ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है ये कहाँ होती है, तो ये जो आपका ये कॉस्टल कार्टिलेजेस है, ठीक है, ये आपका ज़िफाइड प्रोसेस और यहाँ पे ये इस साइड कॉस्टल कार्ट। नीचे आप देखोगे तो दिस इज योर प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल, क्लियर। सो ये जो मसल है ये इस मिड लाइन के दोनों साइड मिलेगी आपको, ठीक है। अब जब आप इस मसल का ओरिजिन और इंसर्शन देखोगे तो आपको ये याद रखना है कि ये नीचे से अराइज होती है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है, नीचे की तरफ, और ये जो मसल है ये ऊपर जाती है और यहां पर इसका इंसर्शन होगा, ठीक है। तो पहली चीज की इसकी लोकेशन क्या है, सो इट इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन बोथ द साइड ऑफ द मिड लाइन, सो इट इज अ पेयर्ड मसल, ठीक है। दूसरी चीज, इसका ओरिजिन कहां से होता है, फ्रॉम द बिलो लोअर एंड इसका ओरिजिन है और अपर एंड इसका इंसर्शन है, ठीक है। अब इसका एक मीडियल एंड है, ठीक है, और एक इसका लैटरल एंड है। मीडियल एंड अराइज कहां से हो रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, मीडियल एंड अराइज हो रहा है प्यूबिक सिम्फाइसिस से। लैटरल एंड अराइज होता है प्यूबिक ट्यूबरकल एंड क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल एंड क्रेस्ट, और फिर ये मसल ऊपर जाते जाते ब्रॉड हो जाती है इस तरीके से, क्लियर। इस तरीके से ये मसल है। इस मसल के अंदर अगर आप इंसर्शन को देखोगे तो जो इंसर्शन है वो कहां पे होता है, तो इंसर्शन होता है एंटीरियर चेस्ट वॉल पे अलोंग विद द ज़िफाइड प्रोसेस एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है। ज़िफाइड प्रोसेस के साथ कौन से कॉस्टल कार्टिलेजेस, सो 5, 6, 7 रिब्स के जो कॉस्टल कार्टिलेजेस है, इन कॉस्टल कार्टिलेजेस में इसका क्या होता है, इंसर्शन होता है, क्लियर। तो हमें समझ में आ गया कि ओरिजिन कहां से होता है, नीचे से होता है, एक मीडियल हेड है एक लैटरल हेड है, मीडियल हेड प्यूबिक सिम्फाइसिस से आता है, लैटरल हेड प्यूबिक ट्यूबरकल एंड क्रेस्ट से आता है, फिर ये मसल ऊपर जाती है, ब्रॉड होती चली जाती है, और उसके बाद इसके फाइबर्स 5, 6, 7 कॉस्टल कार्टिलेज एंड ज़िफाइड प्रोसेस पे जाके इंसर्ट हो जाते हैं, और ये पेयर्ड मसल है जो मिड लाइन के दोनों साइड मिलती है, ठीक है। तो ये तो इसकी हो गई पोजिशन, ओरिजिन एंड इंसर्शन, ठीक है। अब हमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपको, एंड दैट इज व्हाट इज अबाउट रेक्टस शीथ, ठीक है। अब ये जो रेक्टस शीथ है ये क्या चीज है, एक्चुअली रेक्टस शीथ इस रेक्टस एब्डोमिनिस मसल की कवरिंग है, ठीक है। यानी अगर आप इसको काटोगे मसल को, तो ये अगर दिस इज योर मिड लाइन, ठीक है, ये मिड लाइन है, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो इसके इधर भी और इसके मिड लाइन के दोनों साइड आपको ये क्या दिख रहा है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, क्लियर, ये है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। बट ये जो मसल है ये मसल लेयर कवर होती है किससे, एक एपोन्यूरोटिक लेयर से, आगे से भी पीछे से भी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो कवरिंग कहलाई, ये कवरिंग क्या कहलाई, शीथ ऑफ रेक्टस मसल, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया रेक्टस शीथ, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको रेक्टस शीथ के बारे में पता है कि रेक्टस शीथ क्या है, व्हाट इज रेक्टस शीथ, रेक्टस शीथ इज नथिंग बट इट इज ए एपोन्यूरोटिक कवरिंग ऑफ रेक्टस मसल विच इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड। और ये जो रेक्टस शीथ होती है ये मिड लाइन में आके क्या बना देती है, लीनिया एल्बा, ठीक है। और जिस बॉर्डर से रेक्टस शीथ स्टार्ट हुई, ये बॉर्डर क्या है, लैटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस का लैटरल बॉर्डर है ये लैटरल बॉर्डर क्या कहलाएगा, लीनिया सेमिल्यूनरिस। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट या ये वाला पॉइंट क्या कहलाया, लीनिया सेमी ल्यूनरिस,
सेमी लूनरिस मतलब हाफ मून शेप लाइन, ठीक है, ये लाइन कैसी है, हाफ मून शेप, ठीक है। तो आपके पास यहां दो वर्ड है, लीनिया अल्बा एंड लीनिया सेमी लूनरिस। सो लीनिया अल्बा और लीनिया सेमी लूनरिस के बीच में जो कवरिंग है, ये कवरिंग है, इस कवरिंग का नाम क्या है, रेक्टस शीथ, क्लियर। अब ये रेक्टस शीथ बनी कैसे, सो हमने देखा कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल होती है, उन मसल्स का जो इनर पोर्शन है वो कैसा हो जाता है, एपोन्यूरोटिक, एपोन्यूरोसिस मतलब फ्लैट टेंडन जो है वो वैसा हो जाता है। तो ये जो एपोन्यूरोसिस होते हैं, जो यहां तक तो ये मसल है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, लेकिन लीनिया सेमी लूनरिस के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, एपोन्यूरोसिस में। इसी तरह से ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है, ये इंटरनल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक भी यहां पॉइंट पे आके क्या कन्वर्ट हो गई, शीथ की फॉर्म में। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस भी इस लेवल पे आके किस में कन्वर्ट हो गई, शीथ की फॉर्म में। और ये शीथ फिर क्या बनानी है, रेक्टस शीथ और कवरिंग ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाया, जहां पे आपका ये मसल का जो फाइबर्स है, मस्कुलर फाइबर्स, उनकी जगह क्या स्टार्ट हो गया, फ्लैट टेंडन यानी एपोन्यूरोसिस, उसका जो पॉइंट है लाइन वो है लीनिया सेमी लूनरिस, क्लियर। तो अब हम ये देखेंगे कि रेक्टस शीथ जो है उसका ओरिएंटेशन क्या है, तो हम इसका ओरिएंटेशन कितनी जगह पढ़ेंगे, चार जगह पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज ये आपका अम्बिलिकस है, दिस इज अवर अम्बिलिकस, ये क्या है आपका अम्बिलिकस, ठीक है। अब एक तो हम पढ़ेंगे अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच का लेवल, ये आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये अम्बिलिकस, इसके बीच का लेवल, ये सेंटर वाला एक लेवल तो ये हो गया। दूसरा लेवल हो गया कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे, यानी इस लेवल पे, कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे हम देखेंगे कि रेक्टस शीथ का ओरिएंटेशन क्या है। तीसरा जो है वो दो अलग अलग एक्चुअली उसमें व्यूज हैं, अगर हम नॉर्मल एनाटॉमी की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आप तीसरा जो व्यू पढ़ते हो वो पढ़ते हो अम्बिलिकस और कॉस्टल कार्टिलेज के सेंटर में, यहां पे, क्लियर। लेकिन जब हम सर्जिकल बुक्स पढ़ते हैं, व्हेन यू विल हैव द एक्चुअल सर्जिकल एनाटॉमी, तो आपको एक और लेवल देखने को मिलता है। सो देयर आर टोटल फोर लेवल्स, क्लियर। सो हम ये चेक करेंगे कि एक लेवल तो ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इन चारों लेवल्स को पे क्या ये रेक्टस शीट यूनिफॉर्मली अरेंज है, क्या ये रेक्टस शीट में जो कंट्रीब्यूशन है तीनों मसल्स का वो क्या सेम होता है, कॉमन होता है, तो ये चीज हम इसके अंदर देखेंगे। प्लस हम ये देखेंगे कि इस रेक्टस शीट कि ये जो एंटीरियर लेमिना है और ये पोस्टियर लेमिना है, इसके बाद जो रेक्टस मसल का स्पेस, ये जो स्पेस क्रिएट हुआ, क्या इस स्पेस के अंदर कोई नर्व और वेसल्स होती हैं, दैट इज नोन एज कंटेंट्स ऑफ रेक्टस शीट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीट। देखिए रेक्टस शीट क्या है, मैंने आपको बताया कि इट इज एपोन्यूरोटिक कवरिंग ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, और इसकी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है जो मिडलाइन के दोनों साइड है, इसके आगे और पीछे, इसके आगे और इसके पीछे दोनों साइड आपको रेक्टस शीट मिलती है, ठीक है। जब आप उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेके अगर काट के देखोगे तो आगे और पीछे मिलती है, लेकिन ऐसा पूरी लेंथ ऑफ रेक्टस मसल के चारों ओर नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये वाली लेयर क्या कहलाएगी, एंटीरियर लेयर, और ये लेयर क्या कहलाएगी, पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीट। तो पहली चीज जो आपको जाननी जरूरी है कि एंटीरियर लेयर जो है वो फुल लेंथ में होती है, यानी अगर आप रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को देखना चाहते हो और डिसेक्शन करना चाहते हो तो आपको रेक्टस एब्डोमिनिस के आगे पहले इस एंटीरियर लेयर को काटना पड़ेगा। तो एंटीरियर लेयर इज प्रेजेंट इन द फुल लेंथ, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियर लेयर है, ये जो पोस्टीरियर लेयर है, ये पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीट डेफिशिएंट होती है अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में।
ऊपर भी नहीं होती है, अपर एरिया में भी, इन द रीजन ऑफ रिब्स यानी कॉस्टल कार्टिलेज वाले एरिया में, और नियर द प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी वहां पे आप एक वर्ड पढ़ते हो आर्क्यूएट लाइन, वहां पे हमें अभी एक वर्ड देखेंगे आर्क्यूएट लाइन, मैं बताता हूं उसका क्या मतलब है। सो बिलो द आर्क्यूएट लाइन भी ये जो पोस्टीरियर लेयर है ये डेफिशिएंट होती है। तो पोस्टीरियर लेयर कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे नहीं मिलेगी और आर्क्यूएट लाइन के नीचे नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन एंटीरियर लेयर फुल लेंथ में मिलती है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे रेक्टर शीट के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर्स हैं ये कैसे बनते हैं। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि हम अलग अलग लेवल पे इसको कट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, ठीक है, ये मैं मिडलाइन बना रहा हूं और ये इस साइड की रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, क्लियर। और ये आपका ऊपर ये क्या है आपका ज़िफर्ड प्रोसेस, और यहां पे दिस इज योर क्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल, क्लियर, ये थाई। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। नाउ इफ यू विल सी कि हमें पहला लेवल कहां पे देखना है, तो अगर हम कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे इस रेक्टस एब्डोमिनिस को कट करेंगे तो पहला लेवल क्या है एट कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है, ये आपका अम्बिलिकस है, दिस इज अम्बिलिकस। दूसरा लेवल जो है मैं नीचे आपको बता रहा हूं कि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है और ये जो अम्बिलिकस है इसके बीच में समवेयर हियर यहां पे हम कट करेंगे, ठीक है। सो ये लेवल क्या हो गया बिटवीन अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अब जो सेकेंड लेवल है वो बोलता है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड यानी समवेयर हियर, दिस इज व्हाट द एनाटॉमिकल बुक सेज। सो अगर आप एनाटॉमिकल बुक पढ़ रहे हो तो आपको ये तीन लेवल मिलते हैं, फर्स्ट इज एट द कॉस्टल कार्टिलेज, सेकेंड इज बिटवीन द अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हम थर्ड लेवल जिसको सबसे लोअर मोस्ट लेवल बोला जाता है, और दूसरा लेवल जो है वो इन दोनों के बीच का लेवल है, ठीक है, ये दूसरा वाला लेवल है। लेकिन जब आप सर्जिकल बुक्स पढ़ते हो तो वहां पे एक और एडिशन हो जाता है, वो एडिशन क्या है कि हम कॉस्टल कार्टिलेज और प्यूबिक दिस अम्बिलिकस के सेंटर को लेंगे, उस सेंटर और इस सेंटर के बीच में एक और नया लेवल क्रिएट करेंगे, ये दिस इज द सेकेंड पार्ट and they will consider it as a third level and then you will have the fourth level. तो आपके पास इस upper part में तीन above the umbilicus, surgically you have the three levels and below the umbilicus you have one level. ठीक है, but in anatomy books we have two level above and one level below the umbilicus. इसमें थोड़ा difference है, वो क्यों difference है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे कि एट द कॉस्टल कार्टिलेज रेक्टस शीट का ओरिएंटेशन किस तरह से है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है और ये बीच में लीनिया है, क्लियर। सो आगे तो आपको शीट मिल रही है लेकिन पीछे शीट ना मिलके सीधा क्या मिलता है हमें रिब्स कॉस्टल कार्टिलेजेस मिलती है, यानी ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है ये सीधा किस पे रखा हुआ है रिब्स पे रखा हुआ है, पीछे कोई आपको फेशियल कवरिंग नहीं मिल रही, इसलिए हमने कहा कि ऊपर की तरफ एट द लेवल ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज पोस्टीरियर लेयर डेफिशिएंट होती है, और ये जो एंटीरियर लेयर बनती है ये प्योर एंड प्योर सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस के कंट्रीब्यूशन से बन रही है, ठीक है। जनरली तीन मसल है हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, बट इस लेवल पे यहां पे इस लेवल पे जो एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीट बना रहा है वो कौन है ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, ठीक है, और पीछे कौन है कॉस्टल कार्टिलेजेस। अब अगर आप ये दोनों लेवल चेक करोगे तो इन दोनों लेवल का फॉर्मेशन कॉमन है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों लेवल पे क्या होता है कि ये आपका क्या है रेक्टस एब्डोमिनिस, ठीक है, दोनों साइड इस रेक्टस एब्डोमिनिस के आगे
आपको यहां पे ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, इधर से भी आएगा ये एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, तो ये हो गया एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। ठीक है, जो इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस होता है, ये इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस स्प्लिट कर जाता है लीनिया सेमी न्यूमेरिस के लेवल पे, इसका एंटीरियर शीट इसके आगे चला जाता है और पोस्टीरियर शीट पीछे चला जाता है, इसी तरह से ये एंटीरियर शीट आगे आ गया और पोस्टीरियर शीट पीछे आ गया, तो ये क्या हो गया इंटरनल, दिस इज योर इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। थर्ड मसल जो है दैट इज योर ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है ये पीछे की तरफ रहती है इस तरीके से, ये मसल हो गई ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। क्लियर, तो यहां पे आप अगर देख रहे हो तो यहां पे एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों शीट में दो दो लेयर, एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीट इज फॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड एंटीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, posterior wall is formed by posterior lamina of internal oblique and transverse abdominis aponeurosis। ठीक है, इसके बाद इसके deep में एक और आपको covering मिलती है and that is the fascia transversalis। fascia transversalis तो हो गई, ठीक है, अगर आप coverings of internal wall पढ़ रहे हो तो ये fascia transversalis है, उसके बाद क्या मिलेगा pre-peritoneum fat और फिर peritoneum। तो rectus sheath के अंदर कितनी layer है, दो लेयर है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीट इन दोनों एरिया में अम्लिकस और पोस्टल कार्टिलेज के बीच में किससे बन रहा है, सो दैट इज अवर एक्सटर्नल ऑब्लिक, एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक, देन पोस्टीरियरली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सर्जिकली जब आप पोस्टल कार्टिलेज और इस लेवल के ऊपर यहां पे इस एरिया में डिसेक्शन करते हो तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल जो होती है वो एपोन्यूरोटिक ना होके मस्कुलर होती है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मिलती तो है लेकिन वो एपोन्यूरोसिस ना मिलके क्या मिलते हैं, मसल फाइबर्स मिलते हैं। ये एक इतना सा डिफरेंस है कि अगर आप अम्लिकस के ऊपर इस एरिया में डिसेक्शन कर रहे हो तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस कैसा मिलेगा, एपोन्यूरोटिक इस साइड वाला, लेकिन अगर आप प्यूबिक सॉरी अम्बिकस और ज़िफर्ड प्रोसेस के मिड पॉइंट के ऊपर डिसेक्ट कर रहे हो यहां पे तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस कैसा मिलेगा, मसल, इट इज नॉट एपोन्यूरोटिक इट इज मसल, स्टिल द मसल फाइबर्स आर देयर। सो अगर आपको ये एरिया मिल रहा है तो आप लेवल टू पे हो और अगर ये मिल रहा है तो आप लेवल थ्री पे हो। ठीक है, कॉमन चीज क्या है, कॉमन ये है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस पोस्टीरियर वॉल बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये बात कंफर्म है, आपको एंटीरियर वॉल में दो लेयर मिलेंगी, पोस्टीरियर वॉल में भी दो लेयर मिलेंगी, लेकिन जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है उसका ओरिएंटेशन यहां दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग होगा, यहां पे वो क्या होगा मस्कुलर और यहां पे वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस कैसा हो जाएगा एपोन्यूरोटिक। ठीक है, इसलिए सर्जरी करते टाइम जब आप इसको चेक करोगे तो आपको ये हल्का सा माइनर डिफरेंस मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पे इस एरिया में, तो अम्लिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस की जो मिड लाइन है उस मिड लाइन के नीचे क्या होगा कि ये तो आपका क्या है रेक्टस एब्डोमिनिस दोनों साइड, और ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस है इस रेक्टस एब्डोमिनिस के आगे फर्स्ट लेयर क्या है, दिस इज एक्सटर्नल ऑब्लिक, देन व्हाट इज सेकंड लेयर, दिस इज योर इंटरनल ऑब्लिक, और इसी के साथ जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है वो भी आगे आ जाती है, सो दिस इज योर ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। क्लियर, तो अब आप यहां देख रहे हो कि पीछे की तरफ कोई भी फेशियल लेयर नहीं है, मसल का कोई भी एपोन्यूरोसिस नहीं है, यहां पे सिर्फ क्या रह गया, यहां पे जो स्ट्रक्चर रह गई ये स्ट्रक्चर रह गई आपकी फेशियल ट्रांसवर्सलिस। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन हुआ वो ट्रांजिशन क्या कहलाता है, आर्कुएट लाइन,
ये ट्रांजिशन क्या कहलाता है? आर्कोइड लाइन, और इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी सर्कुलर लाइन ऑफ डगलस। सेमी सर्कुलर लाइन ऑफ डगलस और आर्कोइड लाइन, ठीक है। तो व्हाट इज आर्कोइड लाइन? आर्कोइड लाइन इज ए लाइन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, एंड बिलो द आर्कोइड लाइन द posterior wall of the rectus sheath is deficient, it is not contributed by any muscle or aponeurosis, and the rectus abdominis directly lies on the fascia transversalis below the level of arcuate line, and all the three aponeuroses will go anterior to the rectus abdominis and they will contribute into the anterior wall of rectus sheath, ठीक है। So जब भी आप rectus sheath का formation पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो डायग्राम अब आप देख रहे हो, इस डायग्राम में यू कैन सी दैट दिस इज योर एंटीरियर वॉल, दिस इज योर पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। और ये जो मैंने लेवल अभी आपको बताया था, उस वॉल में आप यहां देख सकते हो कि इस वॉल के अंदर भी आपको क्या दिख रहा है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, बट ये कैसा है? मसल है। और इस दूसरे डायग्राम में भी आपको यहां क्या दिख रहा है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, लेकिन ये क्या है यहां पे? एपोन्यूरोटिक हो चुका है, ठीक है। स्टिल द पोस्टीरियर वॉल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द टू लेयर्स, पोस्टीरियर लेमिन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, बट द डिफरेंस इज दैट थोड़ा सा ऊपर अगर आप डिसेक्शन कर रहे हो तो वो मस्कुलर है, और अम्बिलिकस के अराउंड वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस कैसा हो गया? एपोन्यूरोटिक हो गया, ठीक है। ये जो लास्ट पीछे का डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हो कि आर्कुइट लाइन के नीचे अगर आप डिसेक्शन करोगे तो यू विल नॉट हैव द पोस्टीरियर वॉल, you will have purely the fascia transversalis.